शिवपुरी में निर्दलीय प्रत्याशी के बेटे की मौत, पिता ने बीजेपी पार्षद पति भानु दुबे पर लगाया हत्या का आरोप। शिवपुरी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के बेटे की संदिग्ध मौत हो गई है। परिजनों ने पूर्व नगर पालिका के उपाध्यक्ष व पार्षद पति और उनके सहयोगियों पर हत्या के आरोप लगाते हुए कोतवाली में हंगामा कर दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी का आरोप था कि राजनीतिक द्वेष के चलते मेरे बेटे की हत्या की गई है। जानकारी के अनुसार विवेकानंद कॉलोनी के रहने वाले रमेश शर्मा इस बार शिवपुरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। गुरुवार की रात रमेश शर्मा के 30 साल के बेटे सोनू शर्मा को घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया था। सोनू के शरीर में लकड़ी फंसी हुई थी, लेकिन उपचार के दौरान सोनू ने दम तोड़ दिया। इसके बाद रमेश शर्मा ने अपने बेटे के शव को कोतवाली लेकर पहुंच गए। आपको बता दें कि पूर्व नपा उपाध्यक्ष भानु दुबे और उनके सहयोगियों पर हत्या करने के आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। करीब 2 घंटे तक कोतवाली में हंगामा चलता रहा। शर्मा, क्या घटना हुई? घटना जो हिसाब मेरे को जो है, मेरे लड़के को भानु बाट पार्षद है नंबर 3 का, उसने मेरे लड़के को मारा। मेरे चुनावी रंजिश चल रही थी बाट मेमरी में, मैंने विरोध में खड़ा किए थे विशाल भाई को। इस चक्कर में वो मैं विधायक का चुनावी लड़ रहा था अभी। भानु दुबे बाट मेंबर 3 का, अच्छा, प्रत्याशी पार्षद। कैसे मारा उसने? इसलिए ऐसा मारा कि रोड गिर रही थी, तो मेरे लड़के ने पूछा कि सर कहाँ तक रोड गिरेगी, तो वो बोला वो गाली गलौज देके उसने बात की, तो लड़के उन्हें धक्का मक्की हो गई, उन्होंने लड़के को मारा। लड़का छूट के दौड़ा तो उसने पट्टी मार के, लकड़ी थी वो मार के दी, तो एकदम लकड़ी बींद के वो गिरा, वो लकड़ी उसमें घुस गई अंदर। रात में थाना भी मैंने थाना भी घेरा, थाना में रिपोर्ट FIR भी लिखवाने की कोशिश की, लेकिन ना मेरी FIR लिखी गई। अभी संतुष्टि के दरखास्त पर साइन करके दे दिया मुझे, वो कह रहे थे पोस्टमार्टम के बाद में मैं FIR करूँगा। अगर पुलिस FIR अगर ऐसी नहीं करती है, पुलिस नहीं करती है जब तक हम अभी चक्का जाम कर रहे हैं चौराहे पर जाके, और जब तक डेड बॉडी नहीं जलाएंगे जब तक मेरा FIR नहीं कटेगी। नहीं तो क्या कारण है, क्यों नहीं कर रही पुलिस? पुलिस का आप समझते हो, बीजेपी के नेता दबाव है साहब, 10-5 और पैसा इतना है कि पैसे के दम पे तो सब कर ही लेते हैं, आपको सब पता है। इसलिए FIR नहीं हो रही है। नहीं सर, अन्य आदमी होता तो उसको रात में पुलिस उठा के ले आती साहब, ये है ना। लेकिन क्या कि दबाव है, पुलिस भी परेशान है बेचारी, क्यों पुलिस भी दिक्कत है ना कि नेतागिरी के दबाव में है, तो वो भी कायम ही नहीं कर पा रही है। ये कल रात्रि करीबन 9-10 बजे के टाइम पर विवेकानंद कॉलोनी से शर्मा जी आए थे अपने बच्चे के लिए, सबको लेकर। उनके द्वारा बताया गया कि मेरा बच्चा खत्म हो गया, इसलिए शर्मा जी की रिपोर्ट पर से थाना यहाँ पर मर कायम किया गया। मर में आए जांच के बिंदुओं के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की। इसमें उनका आरोप है किसी बीजेपी नेता का भी नाम सामने आ गया ऐसा भी कोई पुलिस प्रशासन की जानकारी नहीं है, जैसा वो बताएंगे ध्यान उस हिसाब से कार्रवाई।